बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के बाद हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अपनी सेना लेबनान के अंदर भेज दी है और अब इसराइल हिजबुल्लाह के नेटवर्क को पूरी तरह से ख़त्म करने में लगा हुआ है। जब इसराइल ने पिछले साल गाजा में अटैक किया था तब ऐसा लग रहा था कि इसराइल का टारगेट सिर्फ हमास है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसाकर इसराइल को उकसाने का काम किया है, जिस कारण अब ये युद्ध लेबनान तक आ पहुँचा है। इसी बीच रूस के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अलेक्जेंडर डुगिन, जिन्हें पुतिन अपना गुरु भी कहते हैं, उनकी तरफ से इसराइल को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। अलेक्जेंडर डुगिन ने कहा है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब इसराइल का बड़े लेवल पर विस्तार होगा। डुगिन ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को इसराइल ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। अगर आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि इस ग्रुप को इसराइल से लड़ने के लिए बनाया गया है। इसमें ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोही आते हैं। अलेक्जेंडर डुगिन के अनुसार एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के कोलैप्स करने के बाद अब इसराइल इस रीजन में बहुत बड़ी पावर बनकर उभरेगा और इसमें इसराइल के भूभाग का विस्तार भी शामिल है। अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन अपना गुरु भी मानते हैं और इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताबों से रूस की फॉरेन पॉलिसी चलती है।